सर मीटिंग में क्या एक एक करते एक एक करे पहले आप पहले बोलने दीजिए विशाल जी थोड़ा साउथ बोल रहे प्लीज। पूरे उत्तर भारत में एक मिनट साइलेंट प्रदूषण का प्रकोप है और दिल्ली में हरियाणा में पंजाब में उत्तर प्रदेश में अगर आप सैटेलाइट की इमेजेस देखें तो पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण का काफ़ी प्रकोप है। दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हुए मुझे दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की काफ़ी चिंता थी। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिलने के लिए समय मांगा था। मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन्होंने आज मिलने के लिए यहां पे समय दिया और मेरी पूरी टीम के साथ हमारी टीम की बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। लगभग डेढ़ दो घंटे तक हम लोगों ने बड़े विस्तार में चर्चा की। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी टेरिटरीज अलग अलग हो सकती हैं। हरियाणा की ये टेरिटरी है, दिल्ली की ये टेरिटरी है, पंजाब की ये टेरिटरी है, लेकिन हवाओं के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। और जब पूरे उसमें प्रदूषण फैला है, इधर की हवा उधर और उधर की हवा इधर आती है, हम सब लोगों को मिलके इसका समाधान निकालना है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो टॉप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है सभी राज्यों की भी केंद्र की भी, उन सब लोगों को मिलके इसका समाधान निकालेंगे तभी इसका समाधान निकल सकता है। तो आज की जो हमारी चर्चा हुई, मैं बहुत ही सार्थक और बहुत ही फ्रूटफुल चर्चा हुई और मैं समझता हूँ कि ये एक शुरुआत है और एक ये इंडिकेशन है कि इस समस्या से निपटने के लिए हम लोग सभी कदम जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो कदम हम लोग उठाने के लिए तैयार हैं। आज हम लोगों ने क्रॉप बर्निंग के ऊपर चर्चा की, व्हीकुलर पोल्यूशन के ऊपर चर्चा की, हम लोग जो बाईपास बन रहे हैं उसके ऊपर चर्चा की, सीएनजी के व्हीकल्स कैसे इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं उस पर चर्चा की। उन्होंने हमें सुझाव दिए, कुछ स्ट्रेचेज हैं जैसे दिल्ली गुड़गांव के एक ही रास्ता है तो अगर उसको द्वारका बाईपास को एक्सपीडाइट किया जा सके, बदरपुर आश्रम के स्ट्रेच को वो किया जा सके, उन्होंने हमें सुझाव दिए, हमने उनसे बातचीत की। और मैं अब ये समझता हूँ कि ये एक तो ये मैसेज ये जाना चाहिए कि हम लोग टॉप के लेवल पे कोई भी कदम उठाने की अगर ज़रूरत है हम वो सभी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। और ये एक इंडिकेशन हमारी पूरी गवर्नमेंट्स को है, दोनों राज्यों की गवर्नमेंट्स को, कि वो इसको प्रदूषण के मामले को गंभीरता से इसके ऊपर कदम उठाएं। पंजाब में आप सर आप बोलिए जी सर। एक ऐसा अवसर एक ऐसी समस्या के लिए हम लोग आपस में बैठे हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पधारे हैं। वास्तव में ही एक जेन्युइन ये कंसर्न है कि इस उत्तरी भारत के कई राज्यों में खास करके नेशनल कैपिटल रीजन में जो स्मोग का एक प्रकोप आया और ये कई दिन लगातार चल रहा है, आज से कुछ ठीक भी हुआ है और ये पिछले दो वर्ष से ऐसा हो रहा है। अब ये कोई समस्या किसी एक प्रांत की नहीं है बल्कि कॉमन कंसर्न है, तो कॉमन कंसर्न के नाते हम अपने अपने प्रदेश में कुछ पग इसके लिए उठा रहे हैं, चाहे वो पराली जलाने का विषय हो, चाहे ट्रैफिक के पोल्यूशन की बात हो, ये सब बातें अपने अपने प्रदेश में तो कर ही रहे हैं। लेकिन एक ज्वाइंट मीटिंग के बाद जो सुझाव एक दूसरे को देने की बात आई थी वो हमने बड़े कॉर्डियल एक एटमोस्फेयर के अंदर अपनी बातचीत की है, चाहे उसमें पराली को उसका सदुपयोग करने के लिए कई प्रकार के इम्प्लीमेंट्स हमने यहाँ 8-9 प्रकार के इम्प्लीमेंट्स को किसानों को भी और सरकारी एजेंसियों को भी खरीदने के लिए सब्सिडी भी दी है और जिसके परिणाम स्वरूप दो वर्ष से हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। इस बार पराली जलाने की घटनाएं भी हरियाणा में बहुत कम हो रही है, सैटेलाइट के चित्र ये बताते हैं
कि हरियाणा में हमने काफी हद तक उस पर कंट्रोल कर लिया है, फिर भी जो शेष बचा है वो आने वाले समय में ये सब हम करेंगे। इसी प्रकार चाहे वो ट्रैफिक पॉल्यूशन की बात हो, चाहे व्हीकल्स की, पुराने व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन को बंद करने की बात हो, सीएनजी पर व्हीकल चलाने की बात हो, या जो हमारी बसें हैं उनका भी पॉल्यूशन जो चलता है, इंटरस्टेट बसें जो चलती हैं वो सीएनजी पर चले। नई हमारे गुड़गांव के अंदर 500 बसों का एक जो हम नया बेड़ा एक और बनाने जा रहे हैं वो भी हमारे सीएनजी के ऊपर ही आएंगे। तो ऐसी सब व्यवस्थाओं के ऊपर हमने विचार किया है, और विशेष तौर पर भले ही अपने अपने स्टेट्स में हम सब कंसर्न हैं, लेकिन दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है जिसके ऊपर हम सब यानी कंसर्न उससे हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है, तो इस नाते से स्मोग वहाँ ना हो, इसका प्रयत्न हम सब मिलकर के करेंगे। हरियाणा में तो हम कर ही रहे हैं, दिल्ली का भी कंसर्न हमारा, चाहे वो केएमपी का रोड, क्योंकि लगातार केएमपी के ऊपर हम चिंतित हैं कि बहुत जल्दी तैयार हो, 31 मार्च तक केएमपी तैयार हो जाएगी। उस नाते से दिल्ली के अंदर जो व्हीकल ट्रैफिक है वो जो इंटरस्टेट इधर से नॉर्थ इंडिया से पश्चिम भारत में दक्षिण भारत में जो व्हीकल जाते हैं वो दिल्ली के बाहर से होकर के जाए, कोर्ट्स के भी आदेश हैं, एनजीटी के भी आदेश हैं, उन सबका भी हम पालन करें, जनता को भी असुविधा न हो, ऐसे सब पग हमने आप उठाने के लिए आपस में विचार विमर्श किया है, और इन समस्याओं के ऊपर बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, ऐसा आज की बैठक के अंदर हम लोग।